हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने मीन फाइंड करना सीखा, प्लस मीन दिया हो और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो वो सीखा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सब। अभी हम सीखने जा रहे हैं मोड, हाउ टू फाइंड द मोड। तो मोड मान लो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था उसमें 3, 5, 7, 7, 7, 8, 10 ये ऑब्जर्वेशन है और आपको पूछा गया कि व्हाट इज द मोड ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, तो आएगा 7, क्योंकि 7 सबसे ज्यादा टाइम ऐसा नंबर है ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार आता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा 7। तो बट ये वाला सम नहीं है, ये हमारा जो टेबल वाला सम है उसके अंदर कैसे करेंगे। तो यहां पे हमें करना है, पहले तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हो, तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 82, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 82। तो वहां पे हम एक बनाएंगे बॉक्स, तो यहां पे जो क्लास आया 8200 इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास, इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। फिर से कौन हमारा मॉडल क्लास होगा कि जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी वहां पे हम एक बॉक्स बनाएंगे, उस वाला जो क्लास होगा वो होगा हमारा मॉडल क्लास। फिर ये जो 82 जो फ्रीक्वेंसी आई वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी F1। यहाँ पे हमें 3 फ्रीक्वेंसी लेनी है, एक F1, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F0 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम F2। सबसे सिंपल मीन, मोड एंड मीडियन में देखा जाए तो मोड वाली मेथड जो है वो सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें नया कोई कॉलम क्रिएट नहीं करना पड़ता। मीन में आपने देखा था कि हमें नए 3 कॉलम बनाने पड़ते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इसके लिए आपको पहले तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा मोड का। मोड को जो हम सिंबोलिकली जेड लेते हैं, मोड जेड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ओके, तो पहला काम आपको करना है ये मोड का फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप सम आगे नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो चाहिए L, तो मैं हर एक के फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। L दैट मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L दैट मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो मॉडल क्लास था वो 80 to 100 था, उसमें लोअर लिमिट जो क्या है वो 80 है, तो इसको हम बोलेंगे L। तो L मिल गया। F1 जिसको बोलते हैं हम मॉडल फ्रीक्वेंसी, F1 यानी इसको बोलते हैं हम मॉडल फ्रीक्वेंसी, F1 यानी मॉडल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो मॉडल वाला क्लास था उसकी फ्रीक्वेंसी है 82। F0 जिसको हम बोलेंगे प्रिसेंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी, अगेन F0 मतलब प्रिसेंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी, एंड F2 को बोलेंगे सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 3 चीजें मिल गई हमें, F0 42, F1 82 एंड F2 71। अगेन F1 इज कॉल्ड मॉडल फ्रीक्वेंसी, इट इज प्रिसेंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी एंड सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी। एंड H तो आपको मोड में पता था, अरे मीन जब फाइंड किया तभी, जो क्लास गैप होता है इसको बोलते हैं हम H, क्लास हाइट। तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे, L जो कि हमारा है 80 प्लस F1 यानी 82 माइनस F0 यानी 42, 2F1 का डबल 82 का डबल 4 एंड 164 माइनस F0 इज 42 माइनस F2 एंड F2 इज 71। अभी हमें सिर्फ यहां पे क्या करना है, सिंपल सा सबट्रैक्शन कर लेना है। तो यहां पे ये दोनों का सबट्रैक्शन आएगा 40, यहां पे h की वैल्यू रहेगी, h यानी हमारा जो क्लास गैप था जो कि है वो 20। फिर इन सब का सबट्रैक्शन, ये दोनों माइनस माइनस है, वो दोनों का एडिशन होगा जो कि होगा 11113। तो 164 में से 113 को हम माइनस करेंगे तो वो आंसर आएगा 51 into जो कि हमारा क्लास गैप है वो है 20। अगेन मैंने आपको मेन में भी बताया था कि यहाँ पे कभी एलसीएम लेने की गलती नहीं करनी है, ये 80 को हम एज इट इज रखेंगे
यहाँ पे कुछ कटिंग होता है वो तो करते हैं, लेकिन कुछ कटिंग नहीं हो रहा है, तो 4 2 8 यानी 800 अपॉन 51। नाउ आपको सिंपली क्या कर देना है, 800 को 51 से डिवाइड करना है, जो कि आएगा 15.68 यानी 69 हम कर देंगे, तो 80 प्लस 15 यानी 95 इंटू 69। तो ये मिल गया आपको मोड। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के एकदम इजी मेथड है मोड में। ये तो हमारा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि जो मॉडल क्लास बनाना है वो कैसे बनाएंगे, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो, फिर ये जो फ्रीक्वेंसी उसको हम बोलेंगे F1, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2। यहाँ पे स्टूडेंट्स किसी को क्वेश्चन हुआ होगा कि सर ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मान लो कि टॉप में होती या लोएस्ट में होती तो क्या होता, तो कोई बात नहीं, मान लो कि ये 82 सबसे टॉप में होता तो इसके मतलब ऊपर, इसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका मतलब F0 उस टाइम पे 0 हो जाता। मान लो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 82 यहाँ पे होती तो इसका मतलब F2 नीचे आता, तो वहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसका मतलब F2 0 आता। ऐसे सब नॉर्मली कम देखने को मिलते हैं, बट मान लो ऐसा भी आ जाता है तो आप याद रखना कि टॉप में हाईएस्ट हो तो F0 0 और सबसे डाउन में हाईएस्ट हो तो F2 0। एक और सम ले लेता हूँ कि आपको इजी से ये मेथड समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स नया एक सम है जिसमें क्लास दिया हुआ है हमें 5 to 14, 14 to 23, 23 to 32। ओके ये तो सिंपल चीज है, यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। जैसे हमने देखा था लास्ट में जो मीन वाला सम था, वो मीन वाले सम में हमने देखा था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो और फाइंड करनी हो और हमें मीन दिया हुआ हो तो वो कैसे फाइंड करें, बिल्कुल इसके जैसे ही है। बट यहाँ पे हमें दिया है मोड, मोड दिया है हमें 34.5 एंड जो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी है वो है 165। ओके तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो हमें दो चीजें दी हुई है, तो आगे आपको सम कैसे करना है। ओके ये बिल्कुल आगे के जैसा है, बट आगे सर ने ऐसा बताया था कि भाई सर जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो इसको हम बनाते हैं F0 यानी कि मॉडल क्लास। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 53 हाईएस्ट है तो मैं इसको लिख दूंगा F4। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मान लो ए और बी तो अननोन है, तो पॉसिबल है कि ए की वैल्यू 53 से बड़ी हो या तो पॉसिबल है कि बी की वैल्यू भी 53 से बड़ी हो, तो दैट मींस हम ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे 53 ही बड़ा है। तो ऐसा वाला जब भी सम आए याद रखना मोड एंड मीडियन दोनों में, फिर से बोल रहा हूँ, मोड एंड मीडियन दोनों में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम जब आए तब आपको उसको टेबल बॉक्स कहाँ पे बनाना है वहाँ पे आपको देखना है कि मोड दिया है 34.5, तो आपको देखना है कि यहाँ पे 34.5 कौन से क्लास में आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 32 to 41 के अंदर आता है, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बनाऊंगा। फिर से अगर मोड फाइंड करना हो तब हम मॉडल क्लास किसको बनाते हैं, जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। मोड वाले सब में दो तरीके से हमें मॉडल क्लास बनाने होते हैं, जब मोड फाइंड करना हो तब जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वो वाला हमारा मॉडल बॉक्स बनता है, एंड जब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो दो फ्रीक्वेंसी एंड मोड दिया है तो उस टाइम पे देखना है कि मोड हमें कौन सा दिया है 34.5, वो देखना है कि वो नंबर ये वाले क्लास में कहाँ पे आ जाता है, तो वो 32 to 41 में आता है, तो हम इसको यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। नाउ तो ये हो गया हमारा F1, ऊपर वाला F0 एंड नीचे वाला F2, तो ये बिल्कुल भी आगे की सम जैसे हो गया। फिर से 34.5 यहाँ पे आ रहा था 32 to 41, इसमें हमने मॉडल बॉक्स बना दिया, वो हो गया F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मतलब L हो गया हमारा 32 एंड क्लास गैप क्लास हाइट जो H है वो हो गई हमारी 9। ओके तो ये टेबल का काम कंप्लीट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, पहले तो इन सब का प्लस करेंगे बिल्कुल मीन के जैसे, मीन में भी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था बिल्कुल उसके जैसे, पहले तो इन सब का प्लस करेंगे 5 and 1 6 7 8 9 9 and 6 15 15 यानी 5 1 and 1 2 2 and 5 7 and 8 and 9 95 प्लस ए प्लस बी 95
प्लस ए प्लस बी, यानी कि ये हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी हो 95 प्लस ए प्लस बी जो कि हमें दी हुई है 165। तो 95 को हम वहां पे ले जाएंगे, वो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो ए प्लस बी हो गया 70। बिल्कुल मीन जैसे लास्ट वाले वीडियो जैसे उसमें एफ वन एंड एफ टू था, वैसे ये दोनों का प्लस आ गया। अभी दूसरा जो फॉर्मूला हमें यूज करना है, फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच। यहाँ पे सब वैल्यू पुट करेंगे, जेड एनी मोड जो हमें दिया है 34.5, एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 32, एफ वन 53, एफ जीरो ए 2F1, F1 का डबल 106, माइनस F0 माइनस F2 यानी माइनस ए एंड माइनस बी, माइनस ए माइनस बी इनटू एच, एच यानी जो कि हमारा है क्लास गैप है 9। ओके, पहला काम करेंगे 32 को यहाँ पे इधर माइनस करेंगे, तो 34.5 में से 32 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 2.5। 53 माइनस ए 106, अभी यहां से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो अंदर हो जाएगा ए प्लस बी, बट ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है दैट इज 70। फिर से याद रखना क्या किया मैंने, माइनस कॉमन निकाला तो ए प्लस बी हो गया एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी 70 इनटू क्लास गैप यानी 9। ये पॉइंट को अगर हटा देते तो वो हो जाएगा 25/10। इसको कट करेंगे 5 से, इसको कट करेंगे 2 से। नाउ हम करेंगे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, ये 9 इधर आ जाएगा तो 9 टू जाए 18, तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 53 माइनस ए से एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसको वेट, ये 5/2, ये 9 को मैं डिवाइड में ला देता हूँ। ये देख काम करते हैं, 9 को एज इट इज रखते हैं, 53 माइनस है, ये दोनों का पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं 36, 9 एज इट इज, 9 को यहाँ पे कट करेंगे वो हो गया 4, फिर 4 5/2 एज इट इज, 4 डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 53 माइनस ए 2 2 5 2 10, 53 माइनस ए ए साइड 10 साइड 43, यानी ये यहाँ पे मिल गया हमारा 43। नाउ वी हैव द ए प्लस बी 70, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 43, तो पुट दैट वैल्यू इन 1, 43 प्लस बी इज इक्वल टू 70, तो बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 43 70 में से माइनस किया तो बी हमारा मिल गया 27। तो आपने देखा कि ये वाले सम में हमने देखा दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी मोड के अंदर। ये चैप्टर में हम देखें तो तीन तो है, एक तो मीन फाइंड करना, मोड फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना, दूसरी चीज मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना जब मीन दिया हुआ हो, मोड दिया हुआ हो एंड मीडियन दिया हुआ हो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मीडियन कैसे फाइंड करते हैं एंड उसमें भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, now the last method of this chapter, find the median, mean find karna sikha, mean mein missing frequency find karna sikha, mode find karna sikha, mode mein missing frequency and the last one is median aur median ke andar missing frequency. to last time mode mein dekha tha aapne ki aapko kuch bhi naya column nahi create karna tha, yahan pe ek naya column banana hai jisko hum bolenge cf, that is cumulative frequency. इसका मतलब continuously उसको हमें plus करते जाना है, तो 2 जो है वो as it is रहेगा, 2 को 5 के साथ plus करेंगे 7, 7 को 8 के साथ plus करेंगे 15, 15 को 16 के साथ 31, 31 को 9 के साथ 40, 40 को 5 के साथ 45, 45 को 3 के साथ 48,
एंड 48 को 2 के साथ करेंगे तो 50। याद रखना ऑलवेज इसका जो भी सम हो और ये वाला लास्ट, ये दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। तो एक काम हमने कर दिया, जो कि नया कॉलम क्रिएट करना था वो नया कॉलम हमने क्रिएट कर दिया। अभी मीडियन के अंदर पहला सबसे जो काम करना है वो है एन बाई टू। एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारे पास है 50 बाई टू, वो हो गया हमारा 25। ओके, नाउ व्हाट? जैसे हमने मॉडल क्लास बनाया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे हमें मीडियन क्लास बनाना है। तो मीडियन क्लास कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एन बाई टू है वो हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो मिल गया हमें 25। तो आपको CF में देखना है कि 25 वहां तक आता है, 2 में 25 नहीं आता, 7 तक 25 नहीं आता, 15 में 25 नहीं आता, 31 तक 25 आ जाता है। तो हम यहाँ पे हम हमारा मीडियन क्लास बनाएंगे। फिर से एक बार समझाता हूँ, n by 2 जो कि था 25, तो यहाँ पे CF में ऐसा पहला नंबर जिसमें 25 आ जाए, उससे छोटा नंबर 25 हो, उससे छोटा नंबर 25 हो, वो हम बनाएंगे मीडियन क्लास। ओके, नाउ पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, तो फॉर्मूला से आपको समझ में आ जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला हमारा m, मीडियन को हम सिंबॉलिकली m बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है हमारा l प्लस n बाय 2 माइनस cf अपॉन f इनटू h। m फाइंड करना है हमें, l यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वो वाले फॉर्मूला में l था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यहाँ पे l है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा है 30 to 40, उसमें जो लोअर लिमिट है वो है 30, वो हमारा हो गया l। फिर n by 2 जो कि हमने फाइंड किया 25। नाउ ये cf और f क्या है? याद रखना है cf मतलब द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, द प्रेसेंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ cf। तो यहाँ पे cf होगा 15, यहाँ पे जो CF होगा होगा 50। याद रखना CF कैसे आया, तो CF में जो मीडियन वाला हमारा क्लास बना उसके ऊपर वाला जो कि वो है 50। एंड F यानी F की लाइन में जो बॉक्स के अंदर नंबर आया वो हो गया हमारा F जो कि है 60। एंड H दैट इज नॉट न्यू फॉर यू, क्लास गैप, क्लास हाइट, तो यहाँ पे आप देखिए तो आपकी क्लास साइज है 10। आगे बताया वैसे यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, 25 माइनस 15 जो होगा 10 अपॉन 16 इनटू 10। यहाँ पे कट करेंगे, इसका हाफ 5, इसका हाफ 8, इसका हाफ 5, इसका हाफ 4, तो ऊपर 25 एंड नीचे हो जाएगा 4। नाउ 25 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखा हमने कि यहाँ पे मीडियन फाइंड करना एकदम इजी है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन, फिर नया कॉलम जो क्रिएट किया उसको हम बोलेंगे CF। मोड में कोई नया कॉलम नहीं आता है, मीडियन में आएगा CF। तो पहली फ्रीक्वेंसी 2 एज इट इज, फिर 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 9 40, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 3 48, 48 प्लस 2 50। यहाँ पे इसका जो टोटल आया वो लास्ट नंबर जितना आना चाहिए, लास्ट CF जितना। ओके, ये करने के बाद आपको पहले फाइंड करना है n बाई 2, तुरंत पहला काम टेबल बनाने के बाद आपको पहला काम करना है n by 2, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन by 2। यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन आप देखोगे फिर है 50, तो 50 by 2 वो हो गया 25। फिर आएगी मीडियन की बात, तो मीडियन m is equal to l, ये फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के आप सम को नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला को आपको अच्छे से रट्टा मार देना है या याद रख लेना है, l plus m by 2 minus cf upon f into h। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट की सकती है, एल यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मीडियन क्लास दैट इज 30, एन बाई 2 25, सी एफ यानी जो मीडियन क्लास बनाया हमने उसके ऊपर वाली सी एफ
एंड नीचे है एफ, एफ यानी मीडियन वाली क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 60, एच यानी क्लास कैप्टन, फिर कटिंग की है वो तो आपको पता है, एंड हमारा आंसर आ गया 36.25। अभी मीडियन में ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक साउंड लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बट इसके अंदर हमारे पास जो है वो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज एक्स एंड वाई, बट दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसके बदले हमें दो चीजें दी हुई है। जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो दी हमें 400 एंड द मीडियन दिया हुआ है 38। ओके, कैसे करेंगे? बिल्कुल पहले तो वो वाले सम जैसे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे CF, CF जिसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे करना है? पहला नंबर एज इट इज, पहले फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर ये दोनों का प्लस, 42 एंड 38, ये दोनों का प्लस करेंगे वो होगा 80, फिर 80 प्लस एक्स, तो 80 प्लस एक्स, फिर 80 को प्लस करेंगे 54 के साथ वो होगा 134 प्लस एक्स, इसको प्लस करेंगे y के साथ तो 134 प्लस x प्लस y, फिर इसको प्लस करेंगे इसके साथ 170 प्लस x प्लस y, और इसको प्लस करेंगे इसके साथ 202 प्लस x प्लस y, और इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है जो कि हमें दी हुई है 400। तो पहले जो टेबल का काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से क्या किया हमने, CF फाइंड किया, CF कैसे फाइंड करना है, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर कंटिन्यूअसली प्लस किया, ओके। नाउ पहला स्टेप, मीडियन क्लास किसको बनाए, तो आगे वाले सब में देखना था मीडियन क्लास कैसे बनाया था। हमारा जो n by 2 था वो हमारा n यदि है 400 by 2 तो 200, तो फिर ऐसा नहीं देखना है कि यहां पे 200 कहां पे है। मैंने आगे वाली वीडियो में बताया कि मोड एन मीडियन के लिए, अगेन मोड एन मीडियन के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जब भी सम हो, तीसरी बार बोल रहा हूँ, मोड एन मीडियन के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो सम हो उसमें मोड एन मीडियन को ही देखना है। तो यहाँ पे मीडियन है 38, तो ये 38 कौन से क्लास गैप में आता है, तो वो आता है 30-40 के अंदर, तो हम यहाँ पे इसको बॉक्स बनाएंगे। के बिल्कुल मोड के जैसे, मोड में भी जो मोड दिया है वो जो क्लास के गैप में आता है वहां पे हम बॉक्स बना देंगे। नाउ इसके ऊपर वाला जो होता है वो हमारा होता है CF, ये जो वैल्यू होती है वो होती है F, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, और उसकी जो छोटी वैल्यू होती है वो है हमारा लोअर लिमिट L। तो फॉर्मूला पुट करने से पहले बिल्कुल आगे वाले सम जैसे, इन सबका हम प्लस करेंगे वो होगा 400, बट इन सब का प्लस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे है ही हमारे पास 202 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल जो कि है वो हमारा है 400। अगेन ये जो लास्ट टोटल आया वो इसके जितना ही होता है, एक्स प्लस वाई 202, वहां पे माइनस हो जाएगा, मिल जाएगा हमारा 198। ओके, नेक्स्ट अभी हम यूज करेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको पता है हमारा m इज इक्वल टू l प्लस n बाय 2 माइनस cf अपॉन f इनटू h। मीडियन जो के है हमारा 38, लोअर लिमिट l जो की है 30, n by 2 जो है 200, CF इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो कि है 80, F यानी ये मॉडल वाली फ्रीक्वेंसी जो कि है X, और H यानी जो कि क्लास गैप है हमारा है 10। तो सिंपली मैंने सिर्फ क्या किया है, सब में वैल्यू पुट की है। तो पहला काम बिल्कुल आगे की जैसे, 30 को इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा वो होगा 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे वो होगा 120 इनटू 10 यानी 200, 8 आ जाएगा हमारा डिवाइड में। नाउ 1200 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 0 हो जाए, यानी x मिला हमारा 150।
नाउ सिंपली आपको क्या कर देना है, सिर्फ इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देनी है। तो इक्वेशन वन हमारा जो था वो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 198, उसमें x के बदले हम पुट करेंगे 150 प्लस y इज इक्वल टू 198, y माइनस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 48। तो आपने देखा हमने मीन मीडियन मोड फाइंड करना भी सीख लिया और उन सब में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी जो सम है वो भी सीख लिया है। इस तरीके से ये मेथड जो है हमारी वो खत्म हो गई। ये सम है अभी नेक्स्ट, जिसमें हमें नया टेबल क्रिएट करना है। ये टेबल तो दिया हुआ है हमें, बट इसमें आपको बनाना है मोर देन एंड लेस देन हो जाए, मोर देन एंड लेस देन हो जाए। नाउ तो क्या करना है देखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे मोर देन, इसमें सिर्फ टेबल क्रिएट करना होता है, कुछ फाइंड करने के लिए नहीं आता है। हाँ वो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए भी आ सकता है, बट ग्राफ की बात बाद में, पहले हम यहाँ पे सीख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मोर देन एंड यहाँ पे लिखेंगे हम सी एफ। एक्चुअली नॉर्मली एक साथ एक ही सम होता है, बट हम एक ही टेबल में दोनों सम कर लेते हैं। तो मोर देन में क्या ध्यान रखना है हमें, सबकी मोर देन में सबकी लोअर वैल्यू लिख देनी है। तो मोर देन में लिखेंगे लोअर वैल्यू 10, 20, 30, 40 एंड 50। अभी आप समझो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्लास था 10 टू 20, उसके बीच में फ्रीक्वेंसी है 8, 20 टू 30 की फ्रीक्वेंसी है 12, इसकी 15, 13 एंड 12। हमें क्या लिखना है कि मोर देन 10 हो, मोर देन 10 हो वैसे कितने नंबर है, तो मोर देन 10 यानी ये सारे आ जाएंगे। अगेन मोर देन 10 ऐसे रीड करेंगे, मोर देन 10 हो वैसी फ्रीक्वेंसी, तो मोर देन 10 यानी 10 से लेके 60 तक सारी आ जाएगी, जो कि आएगी इसका टोटल जितना, इसका टोटल हमारा है 60, तो मोर देन में हम पहले टॉप में लिखेंगे 60। फिर दूसरा मोर देन 20, मोर देन 20 मतलब 20 से लेके 60 तक, तो ये जो थी वो थी 10 से लेके 60 तक, बट अभी हमें जो लिखना है वो 20 से लेके 60 तक, मतलब इसमें से हमें ये निकाल देना है। तो 60 में से 8 निकाल देना है, जो कि आएगा हमारा 452। फिर नेक्स्ट मोर देन 30, इसका मतलब 30 से लेके 60 तक, तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, तो ये दोनों का जो प्लस है वो होता है हमारा 20, जो 20 इसमें से हम माइनस करेंगे, 20 इसमें से हम माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 32। तो आपने क्या सीखा है इसमें, हमें करना है जो है वो है कंटिन्यूअसली माइनस करते जाना है। तो आपको समझ में आ गया इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें कंटिन्यूअसली माइनस करना है। देखो यहाँ पे 60 में से 8 गया 52, 52 में से 12 गया 40, 40 में से 15 गया 25, 25 में से 13 गया 12, और 12 में से 12 जाएगा तो 0 यहाँ पे, मतलब ये 0 लिखना नहीं है, बट मान लो कि यहाँ पे नहीं कोई फ्रीक्वेंसी होती, मोर देन हम लिखते हैं कि मोर देन 60 ऐसा लिखना है हमें, कि मोर देन 50 कितने हैं, तो मोर देन 60 0 है, मतलब 60 से आगे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये हो गया हमारा मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कैसे क्रिएट किया वो यहाँ पे हम देखेंगे, याद रखें पहले तो मोर देन में किसकी वैल्यू लिखनी है, लोअर लिमिट वाले की, और इसमें पहले जो टोटल है वो लिखेंगे फिर कंटिन्यूअसली माइनस करेंगे, बिल्कुल ऐसे अभी नया टेबल हम क्रिएट करेंगे लेस देन टाइम, नया टेबल जो कि है वो है लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो लेस देन टाइप में यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन और यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन में हमने लेस वाली वैल्यू वैल्यू ली थी, अभी लेस देन में हम ये मोर वाली वैल्यू लेंगे, जो कि है 20, 30, 40, 50 एंड 60। ओके अभी हम पढ़ेंगे लेस देन 20 हो ऐसे कितने नंबर,
तो लेस देन 20 यानी सिर्फ ये वाले 10 टू 20 वाले 8, लेस देन 30 हो वैसे कितने, तो 30 से नीचे वाले मतलब ये दोनों, तो यानी सिर्फ मैं डायरेक्ट सिखा देता हूं आपको मोर देन में क्या करना था, जो टोटल है वो लेके कंटिन्यूअसली माइनस किया, तो लेस देन में क्या करना है कंटिन्यूअसली प्लस, बिल्कुल जैसे मीडियन में हम सीएफ फाइंड करते हैं ना, वो सीएफ यहां पे फाइंड करना है 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 13 48 प्लस 12 वो हो जाएगा 60। तो ये हो गया हमारा लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहां पे हमने कंप्लीट कर दिया है मोर देन एंड लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव टेबल। नाउ यहां पे हमारी सारी मेथड ओवर हो गई है, मीन मीडियन मोड मोर देन एंड लेस देन। अभी बाकी बचे इसकी प्रैक्टिस आपको, जो कि मैं अभी आपको वर्कशीट भेजूंगा, वो करके आप मुझे दिखा देना है। बाय।